बीरमपुरा मोड़ के पास घायल अवस्था में मिला अधेड़ व्यक्ति। मार्ग से गुजर रहे भाजपा मंडल अध्यक्ष आनंद लोधी व युवा नेता मोनू द्विवेदी ने अपनी कार से पहुंचाया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रायपुरा। रायपुरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से मिली जानकारी के अनुसार रामेश्वर ठाकुर ग्राम भवनी कुमारी जिला दमोह को, जो कि घायल अवस्था में बीरामपुर मोड़ के पास पाया गया। भाजपा मंडल अध्यक्ष आनंद लोधी ने जानकारी देते हुए बताया है कि वो पार्टी के कार्य निपटाकर मोहंद्रा से अपने घर जा रहे थे, तभी उनकी नजर रोड के किनारे घायल व्यक्ति पर पड़ी। उन्होंने अपनी कार रोककर पूछताछ की, लेकिन घायल व्यक्ति अचेत होने की वजह से जवाब नहीं दे सका। मौके की नजाकत को समझते हुए मंडल अध्यक्ष आनंद लोधी व भाजपा नेता मोनू द्विवेदी ने अपनी बुलेरो कार में बैठाकर घायल व्यक्ति को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रायपुरा पहुंचाया। प्राथमिक उपचार करने हेतु डॉक्टर एमएल चौधरी ने बताया है कि घायल व्यक्ति के दाहिने गाल के गंभीर चोटें आई हैं, जिसका जिला चिकित्सालय कटनी में रेफर किया गया है। चेतना अवस्था में न होने की वजह से बेसिक जानकारी संतोषजनक नहीं दे रहा है। थाना रायपुरा से सहायक उप निरीक्षक यशवंत सिंह व सहायक उप निरीक्षक राघवेंद्र सिंह प्रधान मामले की जाँच कर रहे हैं। रायपुरा पन्ना से संवाददाता दिलीप खरे की रिपोर्ट। सर, अभी एक एक्सीडेंट का मामला आया है, क्या कैसा मामला है? हाँ, अभी एक जो रामेश्वर ठाकुर नरेंद्र सिंह ठाकुर हैं, 25 साल के, ये बम्हनी कुम्हारी दमोह जिला के हैं। इनके बाएं गाल में चोट आई हुई है, जो अज्ञात कारणों से लगी हुई समझ में आ रही है, या वो बता नहीं पा रहे हैं, सही ढंग से जानकारी नहीं दे पा रहे हैं कि किस चीज़ से चोट आई है। उनको यहाँ प्राथमिक उपचार देकर के जिला चिकित्सालय दमोह के लिए रेफर किया जा रहा है। ऐसा कुछ ज्ञात नहीं हो पाया किस वजह से चोट लगी है? अभी वो अच्छे ढंग से नहीं बात कर पा रहे हैं। कुछ अल्कोहल वगैरह का ऐसा कुछ सामने आया है? कुछ अभी समझ में नहीं आ रहा उनका, उसकी बातों से कैसा लग रहा है? वो बोल अभी अच्छे ढंग से बात नहीं कर पा रहे हैं, तो जिसकी वजह से वो सही ढंग से बता पाना भी मुश्किल। चोट की वजह से चेतना में नहीं? हाँ हाँ, चलिए ठीक है सर, धन्यवाद। जैसा कि देख रहे हैं, इस समय हम खड़े हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रायपुरा में, और एक एक्सीडेंट की घटना हुई है। और ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रायपुरा है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक घायल पेशेंट को लेकर के हमारे भारतीय जनता पार्टी के एसएसवी मंडल अध्यक्ष जी यहाँ पे मौजूद हैं, और जिन्होंने उनको अस्पताल पहुँचाया है, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या घटना हुई थी और क्या हुआ था, पूरा वाकया क्या हुआ था? सर हमारे माननीय सांसद जी द्वारा कार्यकर्ताओं के लिए दीपावली के उपलक्ष में कुछ मिठाइयाँ भेजी गईं, वो वितरित करके हम अपने मंडल से मोहंद्रा होकर वापस आ रहे थे रायपुरा। तो रास्ते में जे घायल अवस्था में रोड के साइड में पड़ा मिला, तो देखा हम लोगों ने कि इसकी स्वास्थ्य ज़्यादा गड़बड़ है, तो तत्काल गाड़ी में बैठा करके रायपुर अस्पताल लाए। किस गाड़ी से बैठा करके आपने उसको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया? जे हमारे पंडित जी हैं मोनू द्विवेदी मलघन वाले, इनकी है बोलेरो गाड़ी। अच्छा, गाड़ी आप लोग बोलेरो से आ रहे? जी जी। ये मोनू द्विवेदी जी हैं मलघन के, और ये उभरते हुए नेता हैं हमारे क्षेत्र के, और भारतीय जनता पार्टी की मुख्य धारा पे ये कार्य कर रहे हैं। मोनू जी, क्या कहना चाहेंगे आप, ये घटना कितनी दुर्भाग्यपूर्ण है, और किस प्रकार से आपने उसकी जान बचाई, आप यहाँ स्वास्थ्य केंद्र लेके पहुँचे, पूरी घटना बताएं। भाई साहब, हम लोग लौट रहे थे पार्टी के काम से, तो रास्ते में हमें दिखा कि पड़ा हुआ है युवक, तो जाके हमने देखा तो बहुत ज़्यादा घायल था। तो पहले तो डायल 100 को सूचना दी और 108 भी लगाया, बाकी कंडीशन ऐसी थी कि जितना जल्दी हो सके इसको हम अस्पताल तक पहुँचा। अच्छा, आप अपने गाड़ी से लेकर के आए? देखो ये होता है, हम सबको बता देना चाहता हूँ, ये नेतृत्व, इनके पास गाड़ी थी, अगर कोई वहाँ राहगीर होता तो बोलता है एम्बुलेंस बुलाओ, हैंड डायल बचाओ, हो सकता है उस बंदे की जान न बच पाती, लेकिन आपने बहुत अच्छा काम किया, आपने सराहनीय काम किया, आप बधाई के पात्र हमारे चैनल की तरफ से। आगे क्या हुआ? फिर भाई साहब सूचना दी और तुरंत गाड़ी में रखा हम लोगों ने, लेके आए कुछ आप उसके द्वारा अवगत कराया गया आपको कहाँ का बंदा है, वो क्या है और किस हालात कहाँ जा रहा था? वो रामेश्वर ठाकुर नाम बता रहा है अपना जी, और ये बम्हनी दमोह जिला कुमारी के आसपास का निवासी बता रहा है उसने। कुछ अभी तक ज्ञात हो पाया कि वो किस वाहन से जा रहा था और किस प्रकार से ये घटना हुई? वो बता रहा है कि मैं मोटरसाइकिल से था, बाकी हमने जितना कोशिश की हमने उसको ढूंढने की, शायद उसकी बाइक मिल जाए या कोई और साथ में है, तो ना तो हमें वहाँ बाइक मिली, अंधेरा बहुत था, और गाड़ी की लाइट से जितना हो सका हमने ढूंढा, और फिर हमने ये देखा कि प्राथमिकता इसको दें, दूसरे के चक्कर में
कहीं इसकी जान पे खतरा भी दिखा। बिल्कुल, तो फिर हमने प्राथमिकता इसको दी, उसको लेकर। क्या कुछ ऐसा महसूस हुआ कि जो एक्सीडेंटल है, कोई नशा पत्ती वगैरह, कोई दारू वगैरह के नशे पे? निश्चित रूप से आज जो घटना हुई है तो उसमें कहीं ना कहीं नशे का तो प्रभाव दिख रहा है साथ साथ। और यही है कि भाई नशा तो ना ही करें, और नशा करके कम से कम गाड़ी ना चलाएं, अपने साथ साथ अपने परिवार वालों को परेशान ना करें। चलिए ठीक, आपने बहुत अच्छा संदेश दिया, बहुत अच्छा कार्य किया आपने, एक का जीवन बचाया। और हम खड़े हैं इस समय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रायपुरा में, और हमारे भारतीय जनता पार्टी के दो नेतृत्व करने वाले लोग, इन्होंने एक की जान बचाई। हो सकता कोई राहगीर जाता वहाँ गाड़ी ना रोकता, लेकिन आपको बहुत बहुत सलूट है हमारे चैनल की ओर से, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।